छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में बीती कल म्यूनिसिपल स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर में कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगने के बाद हुई युवक की मौत के मामले में आज जांच के लिए रायपुर से स्वास्थ्य महकमे की ज्वाइंट डायरेक्टर मधुलिका सिंह रायगढ़ पहुंची। आपको बता दें कि कल दोपहर रेलवे बंगला पारा कॉलोनी निवासी राकेश चौहान की वैक्सीन लगने के उपरांत ऑब्जर्वेशन रूम में तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर CMHO KC ने प्रेस नोट जारी कर कहा था कि जिस वायल से राकेश को वैक्सीन लगी है, उसी वायल से 9 अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई है और सभी 9 लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। गौरतलब है कि मृतक राकेश चौहान को वैक्सीन का पहला डोज 23 अप्रैल को लग चुका था और कल उसे कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया था, जिसके कुछ मिनट बाद राकेश की मौत हो गई। घटना के प्रकाश में आते ही जिला प्रशासन उई स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए थे। परिजनों का आरोप था कि वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगाने के पूर्व 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य जांच नहीं की जा रही थी, ना ही वैक्सीनेशन सेंटर में किसी भी प्रकार की आपातकालीन मेडिकल सुविधा उपलब्ध थी। इस बड़ी लापरवाही की वजह से मरहूम राकेश की मौत हुई है। पोस्टमार्टम जो होना था, इस पोस्टमार्टम में दिस इज एक्चुअली नॉट अ फॉरेंसिक पोस्टमार्टम, दिस इज अ मेडिकल पोस्टमार्टम, क्योंकि ऐसा केस लाख दो लाख में एक केस होने की संभावना थी और वो दुर्भाग्य से कुछ हज़ार के बाद हमारे ही संभाग में हो गया है। तो इसको हम लोगों को क्या उसमें गड़बड़ी पाई गई मेडिकली, व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि इमीडिएट डेथ हुई है, बिकॉज एनाफाइलेक्टिक में वी विल गेट सम टाइम कि हम कुछ कर सकें करके, बट इस केस में कुछ भी नहीं किया जा सका था। रायगढ़ से KKD न्यूज संवाददाता नौरतन शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के महू में उत्तर प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर महू शहर कांग्रेस कार्यालय पर शहर ब्लॉक एवं ग्रामीण कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि प्रदेश में कोरोना से मृतक के परिवारों को प्रशासन द्वारा 5 लाख रुपये देने की घोषणा की थी, जिसका लाभ मध्य प्रदेश सरकार मृतक के परिवार को अब तक नहीं दे पा रही है और अस्पतालों में कोरोना मरीजों के प्रमाण पत्र में कोरोना मृतक का हवाला नहीं देने से मृतक परिवार को शासकीय घोषणा के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। वही कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर जिले में कोरोना सेवक के नाम से एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें COVID-19 मृतक परिवारों के घर घर जाकर उनकी परेशानी को समझेंगे और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा का प्रशासन से लाभ दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन से चर्चा कर मृतक के परिवार को लाभ दिलाया जाएगा। इंदौर के महू से KKD न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के विकास खंड ब्लॉक मियागंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीजी मऊ में ग्राम पंचायत मित्र ने ग्रामीणों से आवास के नाम पर जमकर धन उगाही की और योजना अनुसार आवास न मिलने पर ग्रामीणों ने जब अपना पैसा वापस मांगा तो ग्रामीणों को ग्राम पंचायत मित्र ने धमकियां देना शुरू कर दिया, जिससे आहत होकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बीजी मऊ ओंकार ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया, जिससे ग्रामीणों ने परेशान होकर ग्राम पंचायत मित्र के विरुद्ध उच्चाधिकारियों से शिकायत लगाकर उचित कार्रवाई करने की मांग कर मिठू खेड़ा हमारा मितान नाम है। तो सही कर लीजिए। अच्छा, क्या मामला है? मामला आरती बिहारी भैया और पैसा मिला नहीं हमका। आरती बिहारी मनरेगा की? हाँ। तो क्या बताते हैं? बताते हैं मिलेगा, कहीं बताते हैं पैसा है नहीं खत्म, यह बताओ तो ही। कौन बताता है? नरेश। ये नरेश कौन है? नरेश पंचायत मित्र। कितने दिन हो गए मनरेगा में काम किए? हमको उन्हें होली में रिकवर होना, कौन होना, मार्च का पैसा है। क्या नाम है? किस गांव के निवासी? खेन करण पहाड़ के निवासी है। ग्राम पंचायत क्या है? बीजी मऊ मगरा। क्या मामला है? हमारे नरेगा पर हमने काम किया है, को पैसा हमको नहीं मिला। कितने दिन काम किया? 10 दिहाड़ी है। तो क्या बताते हैं? अगर कहते हैं पैसा भी हमारे खाते पहुँचा नहीं डालो, तो कहते हैं गवर्नमेंट के खाते में पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा तुमको, जब आएगा तब लगाएंगे तब देंगे। कोई ठिकाने नहीं है, साल बाद दो साल बाद। हम पहाड़पुर के हैं निवासी, बीजी मऊ है। क्या नाम है? लिखाई। हाँ? लिखाई। क्या मामला है? तो लेटरिंग में पैसा नहीं आया।
कितना पैसा मिला? एक किस्त मिली, एक किस्त नहीं मिली, 6,000 आया, 6,000 नहीं मिला। पंचायत में तो कहते हैं खाता में पैसा है नहीं, अब मिले नहीं रहा, तो कैसे निकला दें? नाम है, किस गांव के निवासी? चंपा खेड़ा। क्या नाम है? आसाराम। क्या नाम है? नरेगा पैसा है। कितना? 27 ड्यूटी का। क्या बताते हैं? बताते हैं देखो आ जाएगा, आ जाएगा। कितने दिन पहले ड्यूटी की थी आपने? 27 ड्यूटी किया है। अरे वो उसने अक्टूबर में, यहाँ अक्टूबर का पैसा अभी तक नहीं आया है। कुमार में निवासी है। हाँ, चंपा फेरे का नाम शेख चंद है। क्या मामला है? कॉलोनी नाम पर 2500 रुपया दिया रहे। किसको दिए? नरेश भैया। नरेश कौन है? पंचायत मित्र। आपके लिए दिए थे कॉलोनी, इन पर हमारे लिए तो करा दो। कॉलोनी हुई? नहीं हुई साहब। किस गांव के निवासी हो? हम पहाड़पुर के निवासी हैं, ग्राम सभा बिजुओं के, पहाड़पुर के रहने वाले हैं, और बिजु ग्राम में, मेरे ग्राम का नाम है बिजुमऊ। क्या मामला है सर? हमारे मनरेगा में पैसा नहीं निकल रहा है। कितने? 135 हाजिरी है 2019 की, और 149 हाजिरी है 2020 की, और उसमें पैसे थोड़े निकले हैं, बाकी नहीं निकले हैं। निकले हैं 2019 के पैसे निकले हैं 10,522, और 2020 के निकले हैं 100 दिहाड़ी के हाजिरी, इतना ही पैसा निकला है। 2021 का काम नहीं किया वे जी। कितने प्रतिशत विकलांग? 70% में विकलांगता हूँ। आपकी नहीं सुनने? नहीं सुनते हैं, कहते हैं इतना पैसा जब मांगते हैं तो मुझे गाली दे करके भगाते थे मनरेगा से। कौन गाली देता था? राम नरेश। राम नरेश कौन है? राम नरेश है ये पंचायत मित्र। तो क्या कहते थे वो? वो कहते थे भग जाओ, तुम्हारा यहाँ विकलांग की कोई सुनवाई नहीं, हम काम पे नहीं लगा सकते हैं। लेटरिंग की किस्त नहीं आई है, उनसे कहा कि लेटरिंग की किस्त हमारे नहीं आई है, तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने, लेटरिंग बन चुकी है। तो कितने पैसे हैं लेटरिंग के? 6,000 आना है। एक किस्त आ गई है। गांव के निवासी हैं? शिव कुमार चंपा खेड़ा। क्या मामला है? कॉलोनी का। क्या कॉलोनी मतलब कह रहा है पैसा देंगे दो, हम कॉलोनी तुमको देंगे। कितने रुपए दिए आप? 5,000 रुपए। किसको दिए? इनके पर नरेश को। नरेश कौन है? पंचायत मित्र। पति है, बीवी है, सुरेश सिंह बीजी मऊ। क्या मामला है? 10,000 रुपये दिन तक कॉलोनी नहीं मिली। किसको दिए थे? नरेश। गांव के निवासी? रामिंदर नाम है। क्या मामला है? मामला ये है, हम क्या कहें, 5,000 रुपये दो तुमका कॉलोनी हम देंगे, तो भाई हमका मिली नहीं। किसको पैसे दिए? नरेश के यहाँ दिन थे। कुशल खेड़ा संजय नाम है। क्या मामला? 7,000 रुपए दिए थे, बोले थे कॉलोनी मिलेगी, अभी तक नहीं मिली। नरेश कुमार। क्या बताया? बोले कॉलोनी मिलेगी। पैसा नहीं मिलेगा? नहीं। अधिकारियों को की? नहीं, कहीं नहीं करी, वो तो करेंगे जी। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।